हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्रोचेट का स्टार बनाना बताऊंगी। सो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लॉक करेंगे और फिर 9 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 चैन कंप्लीट हो गई है। अब हम फर्स्ट चैन में अटैच करेंगे। धागा लेते हुए दोनों में से एक साथ बाहर आएंगे। ये हमारी रिंग कंप्लीट हो गई है 9 चैन्स की। अब हम एक चैन लेंगे और इसमें इस रिंग में 15 टाइम्स सिंगल क्रोचेट डालेंगे। 11 12 13 15. अब हम 6 टाइम्स चैन लेंगे। 6 चैन लेने के बाद में फर्स्ट चैन छोड़कर सेकेंड में हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। सेकेंड चैन में हमने सिंगल क्रोचेट डाला। अब थर्ड चैन में हम धागा लेते हुए अंदर जाएंगे और धागा लेते हुए बाहर आएंगे और तीनों धागों में से एक साथ में धागा बाहर निकालेंगे। इसे हाफ क्रोचेट कहा जाता है। फिर हम फोर्थ चैन पर डबल क्रोचेट डालेंगे। फिफ्थ चैन पर भी हम डबल क्रोचेट ही डालेंगे और लास्ट चैन में हम ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे। ट्रिपल क्रोचेट डालने के लिए हम 2 टाइम्स धागे को फोल्ड करेंगे नीडल पर और चैन में जाएंगे। धागा लेते हुए बाहर आएंगे और 3 टाइम्स हम धागे से बाहर आएंगे। अब 2 चैन्स का गैप छोड़कर हम थर्ड चैन में अटैच करेंगे। अब फिर से हम 6 चैन लेंगे। 6 चैन लेने के बाद फर्स्ट चैन छोड़कर सेकेंड चैन में हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। उसके बाद में हम थर्ड चैन में हाफ क्रोचेट डालेंगे। फिर हम 2 टाइम्स डबल क्रोचेट डालेंगे और लास्ट वाले में हम ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे। चैन्स छोड़कर थर्ड में हम इसे अटैच करेंगे। तो कंप्लीट हो गए। इसी तरह हम 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 लेने के बाद में सेकेंड चैन में हम हाफ ट्रबल डालेंगे। फर्स्ट चैन में हम सिंगल क्रोचेट डालेंगे। सेकेंड चैन में हम हाफ क्रोचेट डालेंगे थर्ड चैन में हम डबल क्रोचेट डालेंगे। फोर्थ चैन में भी हम हाफ डबल क्रोचेट ही डालेंगे और लास्ट में फिफ्थ चैन में हम ट्रिपल क्रोचेट डालेंगे।
टू टाइम्स धागा फोल्ड करके अंदर जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है और दो दो धागों में से धागा लेते हुए बाहर आना है। टू गैप्स छोड़कर थर्ड में हमें से अटैच करना है। सिक्स चैन लेनी है, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स चैन हो गए। अब फर्स्ट में हाफ क्रोचेट सिंगल क्रोचेट डालना है, फिर सेकंड में हाफ क्रोचेट डालना है, थर्ड में डबल क्रोचेट डालना है, फोर्थ गैप में भी डबल क्रोचेट ही डालना है, फिफ्थ में हमें ट्रिपल क्रोचेट डालना है। अब हमारा लास्ट वाला बाकी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चैन लेने के बाद में हमें फर्स्ट में बिना धागा लिए अंदर जाना है, सिंगल क्रोचेट लेना है, सेकंड में हमें हाफ क्रोचेट लेना है, थर्ड में हमें डबल क्रोचेट लेना है, फोर्थ में भी हमें डबल क्रोचेट लेना है और फिफ्थ में हमें ट्रिपल क्रोचेट लेना है। और फिर टू चैन्स का गैप छोड़कर थर्ड में हमें अटैच करना है। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। इसे हम ऐसे यहाँ पर लॉक करके भी हम इसे स्टिच कर सकते हैं, बेबी शूज पर लगा सकते हैं, कपड़ों पर लगा सकते हैं, बच्चों के फ्रॉक्स पर लगा सकते हैं, बट मैं इसे हैंगिंग करूँगी, इसका किचन बनाऊँगी, देख सकते हैं आप। इसमें इसे बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जहाँ पर हमने लास्ट हमारा ये स्टिच ख़त्म हो गया, यहाँ पर हमने उसको लॉक कर दिए है, वहीं से हम लास्ट अटैच के बाद में हमें चैन लेनी है। जितना आपको जितनी आपको चैन की लेंथ चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। मैंने इतना हैंगिंग किया है, अब उसको फोल्ड करके मैं आपको दिखा दूँ, वो इतना हैंग होगा। अगर आपको और चाहिए तो वो और आप और ले सकते हैं। मैंने 20 चैन्स लिया है, अगर आपको चाहिए तो और आप 2-3 चैन्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में इसे हम यहाँ पर जो गैप है उसमें हमें बिना धागा लिए अंदर जाना है और धागा लेकर दोनों के साथ एक साथ में दोनों केस में से बाहर आना है, दोनों गैप में से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसको लॉक करना बताऊंगी। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड में पीछे से कोई भी एक धागा लेंगे हम, देख सकते हैं मैंने इसमें से नीडल डाला है और दोनों में से एक साथ इसे बाहर आएंगे और फिर इसको यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। अब ये धागे को हम पीछे किसी भी धागे के साथ अंदर ले लेंगे ताकि वो दिखे नहीं।
देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।